नमस्कार फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज अपन बीए पार्ट सेकंड की ही एक एकांकी पढ़ेंगे। और एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पिछली क्लास में अपन उनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। देखिए, एकांकी की एक प्रमुख विशेषता होती है, एकांकी में संकलन त्रय का पालन किया जाता है। एकांकी शुरू करने से पहले मैं यह एक विशेषता आपको बता देती हूँ। संकलन त्रय क्या होता है? ये संकलन का मतलब संकलित करना, त्रय का मतलब तीन चीजों का या तीन नियमों का पालन करना प्रत्येक एकांकीकार के लिए आवश्यक माना जाता है। ये क्या होती है? तो तीन कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती है? देखिए, स्थान, समय एवं घटना, इन तीन चीजों को शामिल किया जाता है। लेकिन इनके लिए एक शर्त होती है। कौन सी शर्त? कोई भी एकांकी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकांकी यानी एक अंक वाला, ये एक ही अंक में रचित होता है। तो इसलिए यहां पर जो है वो एक नाम को अपन लेकर चलेंगे। कोई भी एकांकी एक ही स्थान पर एक ही समय में एक ही घटना को लेकर लिखा जाना चाहिए। ये एकांकी का प्रमुख तत्व मान सकते हैं, प्रमुख विशेषता अपन मान सकते हैं। तो आइए अपन शुरू करने जा रहे हैं डॉक्टर वर्मा द्वारा रचित एकांकी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में अपनों ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जीवन परिचय है वो पढ़ लिया था। 1905 से 1990 तक के जीवन काल वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा का स्थान एकांकी के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये चीज अपनों ने देखी थी। और जो एकांकियां इन्होंने लिखी है, उन एकांकियों में भी इनके जो सबसे महत्वपूर्ण एकांकी माने जाते हैं वो कौन से एकांकी माने जाते हैं? ऐतिहासिक एकांकी। ऐतिहासिक एकांकी इनके सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने प्रत्येक एकांकी में आदर्शों की स्थापना की है। जो भारतीय आदर्श थे उनको ये साथ में लेकर चले हैं। और आज का अपना विषय रहेगा डॉक्टर वर्मा द्वारा रचित एकांकी दीपदान। और आपको मैं बता दूं कि ये भी एक ऐतिहासिक एकांकी है। और इसमें इतिहास के एक प्रमुख पात्र, जिसका बलिदान आज भी अपन सम्मान के साथ याद करते हैं, वो है पन्ना धाय। तो पन्ना धाय के बलिदान पर लिखा गया एकांकी, वर्मा द्वारा रचित जो एकांकी है, अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रसिद्ध एकांकी माना जाता है। क्या है इसमें? सबसे पहले तो अपन दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्रों की बात करते हैं। देखिए, इस एकांकी में एक तो पात्र है पन्ना धाय। पन्ना धाय, धाय किसे कहते हैं? जो पालन पोषण करती है उस मां को कहते हैं, उस मां को ही धाय कहते हैं। पन्ना धाय की उम्र है यहां पर 30 वर्ष। उसके बाद जो अन्य प्रमुख पात्र हैं, उनमें एक पात्र है उदय सिंह, जिसके जीवन काल को लेकर ही एकांकी की रचना की गई है। और उदय सिंह की उम्र यहां पर बताई गई है 14 वर्ष, मात्र 14 वर्ष के बालक है उदय सिंह। उसके बाद पन्ना धाय के ही एक पुत्र, जिसका नाम है चंदन, उसको भी एक पात्र के रूप में एकांकीकार ने लिया है, और जिसकी उम्र है 13 वर्ष। उसके बाद जो अन्य पात्र हैं, उनमें यदि अपन बात करें, अन्य पात्रों में यदि अपन बात करें, तो देखिए, एक पात्र है सोना। सोना एक महिला पात्र है और ये रावल स्वरूप सिंह की लड़की का नाम है। रावल स्वरूप सिंह की लड़की का नाम है और ये अक्सर उदय सिंह के साथ खेलती रहती है। इसकी उम्र है उदय सिंह से 2 वर्ष बड़ी, यानी ये 16 वर्ष की उम्र वाली लड़की है। एक पात्र है इसमें
बनवीर, बनवीर ये जो पात्र है ये 32 वर्ष की अवस्था वाला है और ये अत्यंत क्रूर इस एकांकी में दर्शाया गया है। अन्य पात्रों की यदि अपन बात करें तो देखिए एक कीरत नाम का पात्र है और कीरत की उम्र यहां पर दर्शाई गई है 40 वर्ष और ये बारी है। बारी का मतलब होता है राजमहल में कोई भी उत्सव वगैरह होता है तो जो कचरा होता है उसको ये उठाकर ले जाता है। तो कीरत बारी भी यहां पर एक पात्र के रूप में आया है और इसके साथ साथ एक पात्र और है जिसका नाम है सामली। सामली की उम्र यहां पर 28 वर्ष बताई गई है, 28 वर्ष। और ये जो सामली है ये परिचारिका है, महल की परिचारिका है, परिचारिका है। अब अपन इसमें सामान्यतः देखते हैं पन्ना ध्याय किसकी धाय है, उदय सिंह की धाय है और चंदन की माँ है। उसके बाद उदय सिंह जो है वो महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र है, महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र के रूप में उदय सिंह को दर्शाया गया है। और इनमें इनसे बड़े जो पुत्र हैं उनमें दो का नाम और आता है, एक का नाम है रतन सिंह, रतन सिंह, और एक का नाम आता है विक्रमादित्य। ये दो भाई और है, इनका कोई योगदान नहीं है एकांकी में, मात्र नाम इस एकांकी में आता है। और उदय सिंह है वो इस एकांकी का प्रमुख पात्र है जो महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है। चंदन है वो पन्ना का पुत्र है, पन्ना का पुत्र है और ये इस एकांकी में स्नेह एवं साहस का प्रतीक है, स्नेह व साहस के प्रतीक के रूप में इस एकांकी में आया है। सोना है वो अभी मैंने आपको बताया ये रावल की बेटी है और रावल का नाम क्या है, स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह की बेटी है। सामान्यतः ये खेलने कूदने में ज्यादा विश्वास करती है, रूपवती स्त्री है और रूपवती बालिका कह सकते हैं अपन इसको। और ये उदय सिंह के साथ अक्सर है वो खेलती रहती है। कीरत बारी जो है, कीरत जो है वो बारी है और ये जूठी पतले वगैरह उठाने का काम करता है। बनवीर एक क्रूर शासक के रूप में यहाँ पर आया है और ये अधिक कूटनीति खेलता रहता है। और सामली पारिचारिक का है अर्थात ये महल की एक दासी है। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं और कहानी जो रचित हुई है ये इसमें 1536 ईस्वी का समय दर्शाया गया है और 1536 ईस्वी में रात का दूसरा पहर समय चुना गया है, दूसरा पहर इसमें समय का चुनाव है वो रात के दूसरे पहर का किया गया है। और जो स्थान है वो है उदय सिंह का कमरा, चित्तौड़ के महल में या फिर मैं यूं कहूं राजमहल में उदय सिंह का जो कक्ष है वहां पर पूरा का पूरा एकांकी है वो दर्शाया गया है। तो ये सामान्यतः पूरे एकांकी का थोड़ा सा परिचय है जिसमें प्रमुख पात्र आ गए। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक एकांकीकार के लिए आवश्यक होता है कि वह संकलन त्रय का पालन करें। तो संकलन त्रय में मैंने तीन चीजें बताई थी, एक स्थान, तो स्थान एक कौन सा है, उदय सिंह का कक्ष। एक समय, एक समय कौन सा है, 1536 ईस्वी में रात का दूसरा पहर, उसी समय पर एकांकी शुरू होगा और उसी समय पर एकांकी समाप्त भी हो जाएगा। और एक घटना, एक घटना कौन सी, पन्ना धाय द्वारा उदय सिंह को बचाने की घटना, यही इसमें। और पन्ना धाय द्वारा उदय सिंह को तो बचाया जाता है और अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया जाता है, इसी घटना को लेकर ये पूरा का पूरा एकांकी है वो लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, किस प्रकार से चलता है, आइए देखते हैं। एकांकी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है, कि इसमें महाराजा बनवीर
जो वर्तमान में चित्तौड़ का शासक है, या फिर अपन यूं कहें कि संरक्षक था, परंतु शक्तियों का प्रयोग एक शासक की तरह करता है। तो इसलिए ये जो एकांकी है दीपदान, इसमें अपन पढ़ रहे हैं बनवीर द्वारा एक उत्सव का आयोजन किया गया है। उत्सव का आयोजन किया गया, कोई स्पेशली ऐसे नहीं है कि कोई त्योहार का दिन है, कोई शुभ दिन है, कोई बड़ा दिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी इसने उत्सव रखा है। कहां पर रखा है? इसने एक मयूर पक्ष नाम का कुंड बनवाया था और उस मयूर पक्ष कुंड में दीपदान, दीपदान, दीप का मतलब होता है दीपक या दिए, और दान, दीपक को जला जलाकर पानी में है वो दान करना, तो दान, दिए का दान है वो इस कुंड में किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? तुलजा भवानी, ये इनकी जिसकी आराधना ये आज कर रहे हैं, तो तुलजा भवानी की आराधना में मयूर पक्ष कुंड में दिए का दान, दियों का दान किया जा रहा है। इसीलिए इसे एकांकी का नाम क्या रखा गया है? दीपदान। और ये करवा कौन रहा है? बनवीर करवा रहा है, जो है तो चित्तौड़ के राजकुमार का संरक्षक, लेकिन ये अपने आप को क्या मानता है? महाराजा मानता है, और ये सभी शक्तियों का प्रयोग भी करता है। इधर जो ये उत्सव है, ये सामान्यतः लोगों के लिए तो उत्सव है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कूटनीतिक चाल बनवीर द्वारा रची गई है। कूटनीतिक चाल जो है वो बनवीर द्वारा रची गई है, जिसका अंदेशा अभी तक किसी को नहीं है। और दूसरी तरफ जो पन्ना है वो न जानते हुए भी विश्वास नहीं करती है बनवीर पर, तो इसलिए वो उदय सिंह को वहां पर जाने से मना कर देती है। तो इस प्रकार से एकांकी की शुरुआत होती है, और एकांकी की शुरुआत में बातें किस प्रकार से होती है, देखिए। सबसे पहले तो है वो उदय सिंह पन्ना के पास दौड़े दौड़े आते हैं। शुरू के दृश्य में उदय सिंह और पन्ना दो ही पात्र है, वो आपस में बात कर रहे हैं। पहले दृश्य में क्या बातें हो रही है? उदय सिंह दौड़े दौड़े आते हैं, धायमा धायमा, वो देखो उधर उत्सव हो रहा है, चलो ना मेरे साथ, तुम भी देखो ना। पन्ना वहां पर नहीं थी, और उदय सिंह आते कहां हैं? अपने कक्ष में आते हैं, धायमा धायमा, और फिर कक्ष में घुसते हैं, पन्ना होती नहीं है, तो इधर उधर देखकर और अपने आप से ही कहते हैं, धायमा कहां गई? और फिर धायमा धायमा चिल्लाते हैं, तो एक तरफ से धायमा यानी पन्ना धाय है वो निकलकर आती है, और वो निकलकर आकर और देखकर, जैसे मतलब उदय सिंह की बात को उन्होंने सुना ही नहीं, और वो निकलकर सीधे यूं कहती है, कुंवर आज आपने तलवार म्यान में नहीं रखी, अभी तक तलवार लिए घूम रहे हो। तो फिर उदय सिंह यूं कहते हैं कि नहीं, उधर देखो कितना अच्छा उत्सव हो रहा है, तुम भी मेरे साथ देखने चलो ना। तो पन्ना मना कर देती है कि नहीं, मुझे उत्सव नहीं देखना, मैं उत्सव देखने नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है लल्ला। तो फिर उदय सिंह है वो यूं कहते हैं कि क्यों मन नहीं है? पता है वहां पर है ना तुलजा भवानी के आराधना में, और जो बहुत सारी लड़कियां है ना, सुंदर सुंदर लड़कियां, वो नाच रही है, दियों का दान कर रही है, और जैसे दीपक पानी में थिरक रहे हैं वैसे वैसे वो भी नाच रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, वो लड़कियां भी बहुत सुंदर लग रही है। पता है मैं उनको देख कर आया हूं और वो भी मुझे देख रही थी, मैं अच्छा हूं ना। तब पन्ना क्या कहती है? पन्ना कहती है, हाँ कुंवर तुम बहुत अच्छे हो, अरे तुम तो सूरज हो, तुम तो मेवाड़ कुल के सूरज हो, और इसलिए तुम बहुत अच्छे हो, और तुम्हारी जो सुंदरता और तुम्हारी जो अच्छाई है वो तो पूरे मेवाड़ में फैली है। तो इस प्रकार से जब पन्ना उदय सिंह को सूरज बताती है, तब उदय सिंह कहते हैं, अच्छा मैं सूरज हूं, तो सूरज तो रात को दिखता ही नहीं है, पर मैं तो वैसे ही हंसता खेलता रहता हूं।
तो फिर पन्ना जवाब देती है, ये देखो एक बालक की वात्सल्य भरी बातें हैं, बहुत ही सरल हृदय की बातें हैं। तो पन्ना यूं कहती है कि देखो तुम दिन में सूरज हो, रात में तो राणा सांगा की कुल के दीपक हो। तुम रात को तो दीपक हो, तो दीपक जो चारों तरफ रोशनी फैलाता है। जैसे ही पन्ना है वो उदय सिंह को दीपक बताती है, तो उदय सिंह यूं कहते हैं कि मां तुम मुझे दीपक बता रही हो तो तुम मुझे दान मत कर देना, क्योंकि उधर है वो दीपक का दान चल रहा था और दीपक तो दान किए जाते हैं, तो तुम मुझे दान मत कर देना। तो इस प्रकार से एक बालक की वात्सल्यपूर्ण बातें होती है। तो पन्ना है वो थोड़ी सी मुस्कुराती है और वो यूं कहती है कि नहीं पुत्र, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम दान करने के लिए नहीं हो। तो फिर यूं कहते हैं कि ठीक है तो अब तुम चलो मेरे साथ चलो। फिर से उदय सिंह है वो रट लगाते हैं पन्ना धाई को अपने साथ ले जाने के लिए। पन्ना फिर से मना कर देती हैं और फिर से मना करके और यूं कहती हैं कि कुंवर तुम दिन भर रेत में तलवार से खेल रहे थे, तो अब अपनी तलवार अलग रख दो और तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, सो जाओ, जब भोजन तैयार होगा तब मैं तुम्हें भोजन कराने के लिए उठा लूंगी। तो फिर कुंवर एक नई बात लेकर आते हैं, पन्ना ने 2-3 बार इन्हें तलवार रखने के लिए कह दिया, तो कहते हैं कि मैं तलवार नहीं रखूंगा, आज तो मैं तलवार साथ लेकर ही सोऊंगा। क्यों? क्योंकि रुष्ट हो गए ना पन्ना, उनके साथ नहीं जा रही, तो कह रहा है कि मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। तब फिर पन्ना कह रही है कि आज ही तुम्हें तलवार के साथ सोने की जरूरत नहीं है, हाँ आगे जब समय आएगा तब तुम्हें बहुत लंबे समय तक तलवार के साथ सोना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें तलवार अपने साथ रखनी पड़ेगी, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां नहीं है, तुम निश्चिंत होकर और यहाँ पर आराम से सो सकते हो। इस प्रकार की जब बातें होती है उदय सिंह को पन्ना धाय है वो समझाती है, फिर वो यूं कहती है कि तुम तलवार रख दो। तो फिर उदय सिंह यूं कहता है कि तुम्हें तलवार से डर लगता है क्या, तुम बार बार तलवार की ही बात क्यों किए जा रही हो। जब ये बात आती है तो पन्ना कहती है कुंवर चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता, जिस प्रकार से एक कली में या फिर एक लता में है वो पुष्प सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार से वीरों के हाथों में तलवार तो शोभा है, सुशोभित होती है। चित्तौड़ में तलवार से डरते नहीं है, तलवार तो हमारा आभूषण है। तो इस प्रकार से है वो पन्ना तलवार के विषय पर और कुंवर सिंह को समझाती है, और उसके बाद आगे क्या होता है आज की क्लास में इतना ही, आगे अगली क्लास में। धन्यवाद।